Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. Today in our English class of grade 5, we are going to start with unit 6, lesson 1. That is a poem and the title of the poem is Class Discussion. So let's start with unit 6, lesson 1. First part, part A, consists of word meaning. And the first word is discussion, meaning conversation, means किसी टॉपिक पे बातचीत. Second, aired, meaning to make public, means किसी चीज को पब्लिक करना. Third, barely, meaning only just, means मुश्किल से. Fourth, stare, meaning look fixedly, means ghurana. Fifth, silence, meaning quiet. Silence ka means hai quiet, shant. Now we come to part B and it says write true or false. And the first sentence is the teacher was teaching in the class. Teacher class mein पढ़ा रही थी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो वी राइट फॉल्स हियर. एफ ए एल एस ई, फॉल्स. सेकेंड, देयर वॉज क्राफ्ट एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में क्राफ्ट एक्टिविटी चल रही थी. सो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज क्लास में क्लास डिस्कशन एक्टिविटी चल रही थी, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे. एफ ए एल एस ई, फॉल्स. थर्ड, जेन हार्डली सेड अ वर्ड. जेन ने बड़ी मुश्किल से कुछ कहा होगा, मीन्स शायद ही कुछ कहा होगा. ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? ट्रू. टी आर यू ई, ट्रू. नाउ वी कम टू पार्ट सी, क्वेश्चन आंसर. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास. कौन सी एक्टिविटी क्लास में चल रही थी? आंसर वन, क्लास डिस्कशन एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास डिस्कशन एक्टिविटी क्लास में चल रही थी. क्वेश्चन नंबर टू, हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. कौन क्वाइट था, मीन्स शांत था क्लास में. आंसर टू, जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. जेन क्वाइट थी, मीन्स शांत थी क्लास में. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई वॉज शी क्वाइट. वह क्यों क्वाइट थी या क्यों शांत थी. आंसर थर्ड, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर. वह क्वाइट इसलिए थी क्योंकि वह शांत नेचर की थी. होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वर्कशीट. नाउ राइट दिस वर्कशीट नीटली इन योर नोटबुक. थैंक यू.